ये किताब एक सार्थक जीवन सिर्फ डॉक्टर सोनीलाल पटेल के संघर्षों की कहानी नहीं, ये कहानी उस पूरे कमेरे समाज के संघर्ष की है जो लड़ाई कई सालों से चल रही है। इस कहानी में कुछ हिस्से आपके भी हैं, हमारे भी हैं, क्योंकि ये कमेरे समाज की जो लड़ाई है, ये लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई खेती और किसानी को बचाने की लड़ाई है। आज आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम आंकड़े देखते हैं तो लगभग हर साल इस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग का है, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। तो आखिर ऐसी क्या कमी रही इन 70 सालों में कि हम अपने देश को इतना भी नहीं सुधार पाए। मैं जब स्वर्गीय डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के बारे में पढ़ रहा था तो उनकी विचारधारा, जो कमेरा समाज का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और एक नई विचारधारा को जन्म दिया, मैं उस शब्द से बहुत ज्यादा प्रभावित था। क्योंकि कमेरा समाज हर वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय जब डॉक्टर सोनीलाल पटेल उभरे थे तो एक राजनेता नहीं थे, वो एक जननेता थे जिनके साथ जनता का साथ। पटेल का जो संघर्ष रहा वो गांव और किसानों से बहुत जुड़ा हुआ रहा। वो इस देश की मिट्टी की कीमत को समझते थे। अभी हमारे देश में क्या हुआ है कि 1991 से लेकर आप 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा खेतिहर किसान कम हो गए। महाराष्ट्र के भीतर किसान अपना टमाटर 1 रुपए किलो बेचने को मजबूर है और हम यहां मंडी में 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ये जो आज के हालातों की लड़ाई है, डॉक्टर पटेल को इसका शायद पूर्वाभास था, इसीलिए इस लड़ाई को उन्होंने 20 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया। मेरा कहना यह है कि कमेरे समाज की विचारधारा को जब इस पुस्तक को लिखते समय मैंने समझा तो कुछ खास बातें थी जिन्होंने मुझे आकर्षित किया और उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर पुस्तक लिखना अनिवार्य है। पहली चीज ये थी कि इस देश में या किसी भी देश में 4 बुनियादी जरूरतें होती हैं। अगर उनका कार्य निर्वहन बेहतर तरीके से हो तो किसी भी राष्ट्र को संपन्न होने में अधिक समय नहीं लगता। हमारे देश की खेती, शिक्षा, रोजगार और देश का पिछड़ा वर्ग, वो पूरा पिछड़ा वर्ग जो कई सालों से सत्ता का जुल्म भी सहता हुआ आया है, जिसने सवर्णों के जुल्म भी सहे, लेकिन उसकी लड़ाई अभी जारी है। डॉक्टर पटेल ने इन सारे समूहों को कमेरे समाज के बैनर तले इकट्ठा किया। वो पूरा समाज जो गांव में रहता है, खेती करता है, किसानी करता है, फेरी वाला है, अमूमन वो लोग जो राजनीति की समझ नहीं रखते थे, डॉक्टर पटेल के संघर्षों की वजह से वो राजनीति के क्षेत्र में उतरे और उन्होंने किसानों की लड़ाई को मंचों तक पहुंचाया। तो लड़ाई सिर्फ डॉक्टर पटेल की लड़ाई नहीं, ये उस पूरे समाज की लड़ाई। और ये लड़ाई इस किताब को आपके बीच में लाने का सिर्फ एक मकसद ये नहीं है कि आप इसको पढ़कर डॉक्टर पटेल के विचारों को समझें। इसका मकसद यह है कि जो लड़ाई डॉक्टर पटेल के जाने के बाद छूट गई है उसे फिर से नए सिरे से शुरू किया जाए और ये बता दिया जाए कि अभी भी कमेरा समाज उसी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है सरकार से लड़ने के लिए और उन तमाम बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ने के लिए जो आज कमजोर पड़ गए। इस देश में बहुजनों के आंकड़ों पर जब हम बात करते हैं तो काफी सारी चीजें हमें निराश कर देती हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, शंभू जी हैं यहाँ पर, नेशनल दस्तक में हम साथ में काम किया। हम जब बहुजनों के मुद्दों को देखते थे तो काफी सारी चीजें हमें परेशान करते थे। किसी व्यक्ति का अछूत हो जाना, इतना कि आप उसके साथ बैठ नहीं सकते। किसी व्यक्ति को समाज से सिर्फ इसलिए काट दिया जाना कि उसकी जाति छोटी है। किसान जिसकी आमदनी दिन भर की 80 या 90 रुपये आ की जाती है, बल्कि इससे भी कम है, ये वो तमाम लोग हैं जो इस देश के भीतर रहते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिलता। कमेरे समाज की पूरी लड़ाई यही थी कि वो हर व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में मेहनत कर रहा है, वो भले किसान है या वो फेरी वाला है, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। और ये लड़ाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जब शुरू की थी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनानी थी, बल्कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना था जो इस देश की सत्ता को बता दे कि अगर इस देश के आखिरी आदमी तक विकास नहीं पहुंचता है तो सरकार कहीं ना कहीं गलती कर रही है। उसके सुधार के लिए कमेरा समाज एक बार खड़ा है। मैं इस देश में
स्कूलों के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। इस किताब में भी सरकारी स्कूलों के बेहतर विकास के लिए बातें की गई। अभी हम वर्तमान हालातों में बात करें तो प्राइवेट शिक्षा जो ऐसी है कि हमारे जेब के बाहर, मैं यूपी से हूं और यहाँ कई छात्र हैं जिनके साथ मैं पढ़ा हूं, वो यूपी और बिहार से यहाँ पढ़ने आते हैं। ऐसा क्या कारण है इस देश में 70 साल बाद भी कि एक युवा अपना राज्य छोड़कर किसी और राज्य में जाके शिक्षा के बेहतर अवसर ढूंढ रहा? इस देश में 6 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी सिर्फ एक या दो टीचर, 40,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में छत नहीं। ये सरकारी स्कूल वो स्कूल है जहां आपके और हमारे बच्चे जाकर के पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स की फीस को नहीं भर सकते। लेकिन इनके हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि वहां शिक्षा का विकास संभव नहीं। इस देश में 6 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं कहता हूं कि आप लोग जाति और धार्मिक राजनीति से अलग निकले। डॉक्टर पटेल की विचारधारा, पहली बार कोई ऐसी विचारधारा समाज में सामने आई थी जिसने जातिगत और धार्मिक गोलबंदी को तोड़ दिया था, क्योंकि कमेरा समाज कोई जाति और धर्म नहीं था। कमेरा समाज का एक धर्म था, कर्म करो और उसका फल सरकार से छीन। मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग इस जातिगत और धार्मिक गोलबंदी से बाहर निकलें। मीडिया में किसानों की बात नहीं करता, मेनस्ट्रीम मीडिया में किसानों से जुड़ी खबरें कम, सरकारी स्कूलों पर रिपोर्ट्स कम, लेकिन आपको जरूर दिखाया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही है। तो जो चैनल, जो मेनस्ट्रीम मीडिया और जो लोग आपको इस तरीके की बहस में फंसा रहे, उससे बाहर निकल, हमें उस विचारधारा पर काम करना है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। डॉक्टर पटेल के संघर्षों के बारे में जब आप इस किताब में पढ़ेंगे तो एक घटना है जिसका जिक्र है, 1999 की, वो सबसे खास घटना डॉक्टर पटेल के जीवन की, जब इलाहाबाद डिटेंशन पार्क के भीतर बीजेपी के शीर्ष मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी और उस दौर के तमाम नेता, जो शायद नहीं चाहते थे कि एक समाज जो पिछले 70 सालों से सत्ता का गुलाम था, वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, उसे नहीं पता था कि राजनीति कैसे होती है, उसे नहीं पता था कि देश के नागरिक को क्या अधिकार है, क्योंकि वो नेता को नेता नहीं राजा समझता था। डॉक्टर पटेल ने उस व्यक्ति को एक नागरिक की अहमियत समझना सिखाया और वो लोग जो सदियों से झुके हुए खड़े थे वो मंच पर आकर बैठे और उन्होंने कहा कि अगर आपकी राजनीति से हमारा भला नहीं होता है तो कमेरा समाज एक ऐसी राजनीति को जन्म देगा जो इस देश के विकास के लिए तत्पर रहे। डॉक्टर पटेल की विचारधारा को अगर आप समझेंगे तो उसका पूरा मूल यही था कि देश का वो तमाम तबका जो संघर्ष कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो एक बैनर तले इकट्ठा और अपने काम का सही आकलन करे और सरकार से उसकी कीमत मांगे। लेकिन जब पीडी टंडर पार्क में वो रैली हुई, उसके ऊपर जो बर्बर कार्यवाही की गई, 300 राउंड गोलियां पहली बार किसी नेता के कार्यक्रम की रैली में चल रही, आप सोचिए कि दमनकारी शक्तियां उस दौर में भी उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी आज है, बल्कि और ज्यादा। तो आखिर सवाल यही है कि इस देश की जनता जब इन चीजों को समझती कि हमें किन किन चीजों के नाम पर बांटा जा रहा है, हमारी बुनियादी जरूरतें बिल्कुल खोती जा रही, लेकिन हम उन बहस में क्यों फंसे हुए, हमें उससे बाहर आना होगा। उस घटना ने काफी हद तक यूपी की राजनीति को प्रभावित किया। उस घटना में अपना दल के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई और वो 26 दिन की भारी यातना जिसे शायद सहना किसी भी नेता के लिए संभव नहीं था। डॉक्टर पटेल के हाथ की हड्डी टूट गई थी, उसमें पस पड़ गया था, उसका इलाज 10 दिन तक नहीं हुआ। उसके बाद ऐसी आशंका जताई गई कि हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों के सहयोग और अथक प्रयासों से यह संभव हुआ कि वो पुनः ठीक हुए। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी कि सत्ता इस बात से डरती है कि इस देश का अगर प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को जान जाएगा तो जो लोग आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर किसानों की बातें करते हैं, जिन्होंने गांव नहीं देखे, उन्हें असल में गांव में जाने को मजबूर होना पड़ेगा। पीडी टंडन पार्क में जो भीड़ थी, उस भीड़ की हनक दिल्ली तक गई थी और दिल्ली की कुर्सी हिली हुई थी।
उस रैली की कवरेज के लिए चारों तरफ से फोन आ रहे थे और ये अपडेट्स लिए जा रहे थे कि भीड़ कितनी इकट्ठा हो रही है, और ये काम बीजेपी की सरकार से लगातार जारी है। डॉक्टर पटेल ने धर्म, बौद्ध धर्म को अपना, हिंदू धर्म को छोड़कर, इसके पीछे के दो खास कारण। पहला कारण ये कि हिंदू धर्म के भीतर की एक नीति कि किसी भी छोटी जाति के व्यक्ति को अगर बड़ी जाति वाले से छू जाता है तो अछूत हो जाता है, ये असमानता, इस तरीके का भेदभाव। डॉक्टर पटेल इससे बहुत ज्यादा विचलित थे। उनको कहना था कि धर्म के भीतर अगर समानता नहीं है तो वो धर्म आपका नहीं है, वो धर्म उनका है जिन्होंने आपको असमान दिया है, जिन्होंने आपको अछूत घोषित किया है, ये उनका धर्म। आपका धर्म अगर आपको समूल अधिकार नहीं दे रहा है तो उस धर्म को त्याग देना ही उचित है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही समानता है। धर्म का अर्थ है उस अंतिम व्यक्ति की समानता जो उस धर्म में श्रद्धा और आस्था रखता है। डॉक्टर सूर्यलाल पटेल ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उनके साथ हजारों और लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये उस विचारधारा का प्रभाव था जिस विचारधारा से लोग डॉक्टर सूर्यलाल पटेल से जुड़े हुए थे। मैं डॉक्टर पटेल की राजनीति को देखता हूं कि गांव के भीतर नेताओं ने शायद जाना कम कर दिया, क्योंकि हमने जो गांव देखा है और हमारे, मैं पत्रकारिता का छात्र हूं, मेरे कॉलेज में कई छात्र जो पढ़ते हैं उनसे मेरी बातचीत भी होती है, तो हमने जो गांव देखा है ज्यादातर वो टीवी के फ्रेम से देखा हुआ गांव, वो गांव के भीतर जाके गांव देखने का जो नजरिया है वो अभी की युवा पीढ़ी में भी नहीं। मैं कहता हूं कि डॉक्टर पटेल के राजनीतिक संघर्ष को जब हम देखते हैं तो डॉक्टर पटेल ने अपना आधे से अधिक समय गांव के भीतर व्यतीत किया, और इसके पीछे का पूरा कारण यह कि वो जिस पृष्ठभूमि से आते थे वो भी ग्रामीण समाज था। तो डॉक्टर सूर्यलाल पटेल इस बात को समझते थे कि इस देश के कमेरे समाज को और इस देश के किसानों को और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को खड़ा करना जरूरी है, और यह किताब उसी लड़ाई को फिर से शुरू करने का एक आंदोलन है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद।